और अगर उसका बिजली का बिल 2000 रुपये आ रहा है तो वो घट के 700 से 800 रुपए तक महीने का हो जाता है। कि आप इनवॉइस जरूर लें कि अगर वो 55000 रुपये बता रहा है तो 55000 की इनवॉइस आपको देगा। सूर्य मित्र जो ITI ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको यूपी नेडा द्वारा सोलर की ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है। दो माह में ये हम लोग जो सोलर रूफटॉप लगाने का कार्य करेंगे, इसी को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें मेरा जनता से यही अपील है कि जिला प्रशासन यूपी नेडा आपसे संपर्क करेगा और आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगाएं। ये घर घर सोलर अभियान यूपी नेडा द्वारा चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न शहरों में, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग सोलर रूफटॉप लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत बनारस में, वाराणसी में हम लोग अगले 2 महीने में 25000 सोलर रूफटॉप लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सोलर रूफटॉप का जो कार्यक्रम है, इसमें आपको जानकारी देनी है, जनता को जानकारी देनी है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 18000 रुपये पर किलोवाट के रेट से सब्सिडी दी जा रही है। 10 किलोवाट तक 1,17,000 रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30000 रुपये तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। ये सब्सिडी जनता को डायरेक्टली उनके खाते पे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब ये सोलर रूफटॉप लगाने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चालू किया है। आज यहाँ पे इसके संदर्भ में बैठक भी की जा रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ। इसके साथ साथ हमारी जितने वेंडर्स हैं यूपी नेडा के इम्पैनल्ड वेंडर्स, लगभग 100 से अधिक इम्पैनल्ड वेंडर्स को वाराणसी में हम लोगों ने यहाँ पे लगाने की कार्रवाई की है और उनके द्वारा ये सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। यहाँ पे MNRE से भी जो डायरेक्टर MNRE हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, भारत सरकार के भी अधिकारी हैं, जिससे कि जो सब्सिडी फ्लो है और बाकी पोर्टल के जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम लोग एड्रेस कर सकें। हम लोग का मेन यही है, आपके माध्यम से जनता से अपील है कि सोलर रूफटॉप लगाने से ना ही पर्यावरण की सुरक्षा आप कर रहे हैं, बट आपके जो बिजली के बिल हैं उसमें भी भारी कमी आती है। अगर हम उदाहरण स्वरूप लें, 3 किलोवाट का अगर कोई सोलर प्लांट लगाता है और अगर उसका बिजली का बिल 2000 रुपये आ रहा है तो वो घट के 700 से 800 रुपए तक महीने का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी गिरावट आती है सोलर रूफटॉप लगाने से बिजली के बिल में, और सभी के लिए ये एक विन-विन सिचुएशन है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की जो सब्सिडी है उससे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 4 साल से कम में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। तो इसमें आप लोगों को, आप लोग जनता को मेरी अपील रहेगी कि इसमें पार्टिसिपेट करें। हम लोगों ने इसके लिए जो व्यवस्था बनाई है, हमारा एक कंट्रोल रूम रहेगा जो कि अगले 2 महीने के लिए विकास भवन में रहेगा, जिसमें नेडा के अधिकारी वहाँ रहेंगे। हम लोगों ने 10 नेडा के अधिकारी, यूपी नेडा के 10 अधिकारियों की तैनाती इस कंट्रोल रूम में की है और हम लोगों ने पूरे शहर को विभिन्न वार्डों में डिवाइड किया है जिसमें, और हमारे वेंडर्स काम करेंगे। हमें यहाँ के जितने भी नागरिक गण हैं उनसे यही उम्मीद है कि हमारे नेडा के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके जो भी जानकारी आपको चाहिए, जैसे एक इशू आता है कि कितने प्राइस का ये होता है, कितना इसका एक्सपेंडिचर होता है एक सोलर रूफटॉप में, तो जो इसका जो एक्सपेंडिचर है रूफटॉप में वो पर किलोवाट के हिसाब से होता है। लगभग 60000 रुपये पर किलोवाट का एक रेट आता है। ये स्टैंडर्ड के अनुसार, ये आपका ब्रांड के साथ ये चेंज भी कर सकता है, तो लगभग ये रेट रहता है। और इसमें सब्सिडी के बारे में हमने डिटेल आपको बता ही दिया है। इसमें जो प्राइस है, प्राइस वेंडर ही बताएगा आपको कि किस प्राइस पे लगाया जाएगा, बट जो भी प्राइस बताएगा उसका जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनवॉइस जरूर लें। कि अगर वो 55000 रुपये बता रहा है तो 55000 की इनवॉइस आपको देगा, अगर वो 60000 बता रहा है तो 60000 की इनवॉइस आपको देगा। जो भी पैनल लगता है उसमें पैनल रहता है, साथ में इन्वर्टर रहता है, साथ में वायरिंग कनेक्शन होता है, इसके साथ साथ नेट मीटर लगता है। ये सब चीज़ें जो हैं एक सोलर रूफटॉप का पार्ट बनता है।
ये सब चीज़ें हम जानकारी इसलिए आपको देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके माध्यम से जनता को ये बात जाएगी और जनता में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यूपी नेडा के 400 से ज़्यादा इम्पैनल्ड वेंडर हैं आज के समय, और उनमें से लगभग 100 वेंडर्स जो इंटरेस्टेड हैं वाराणसी में सोलर प्लांट लगाने के लिए, आज उनके साथ बैठक भी हो गई है और हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ जनता के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम लोग सोलर रथ का प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी नगर निगम के डिस्प्ले सेंटर्स हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, पैम्फलेट्स लीफलेट्स इनका भी प्रयोग कर रहे हैं जिसके इसके माध्यम से एक आईसी एक्टिविटी हो सके। हम लोग रेडियो जिंगल्स इनका भी प्रयोग कर रहे हैं, का मतलब ये है कि जितनी जो भी बनारस की जनता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें और वो इस मुहिम में पार्टिसिपेट कर सके, ये हम लोग का मेन लक्ष्य रहेगा। यहाँ पे यूपी नेडा के 10 अधिकारी के साथ साथ हम लोग सूर्य मित्रों को भी यहाँ लगा रहे हैं। सूर्य मित्र जो आईटीआई ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको यूपी नेडा द्वारा सोलर की ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है और ये सूर्य मित्र जो हैं वेंडर्स को असिस्ट करेंगे और जनता को भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, तो ये सूर्य मित्रों को भी तैनात किया जा रहा है। डिस्कॉम की तरफ से हमारे जो शहर के 44 जूनियर इंजीनियर्स हैं, हमारे 8 डिविजन्स हैं शहर के, वहाँ पर भी हम लोग नोडल ऑफिसर्स तैनात कर रहे हैं जिससे मीटरिंग का काम है। इसके साथ साथ आपका जो टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, कमिश्निंग सर्टिफिकेट है और नेट मीटर इंस्टॉलेशन, ये सब काम स्मूथली हो सके और इसमें कहीं पर भी कोई टाइम डिले ना हो, इसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी डिमांड एग्रीगेशन में सपोर्ट कर रहा है। आपको पता होगा कि डीएम साहब द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं, विभिन्न अधिकारियों को टारगेट्स दिए गए हैं कि किस अधिकारी को कितने रूफटॉप्स इंस्टॉलेशन में प्रोत्साहित करना है, तो लगभग 36,000 लोगों को उनका टारगेट उन्होंने डीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया है। हमें उम्मीद है उसमें से 25,000 लोगों को रूफटॉप हम लोग लगाने में सक्षम होंगे। रूफटॉप में आपको पता है नेट मीटरिंग की व्यवस्था है सोलर रूफटॉप रेजिडेंशियल सेक्टर में, तो वो भी हम लोग इस माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। देखिए ये जो सोलर रूफटॉप है इसकी बेनिफिट ये है, एक तो बिजली का बिल तो आप कम हो ही रहा है, पर ये 25 साल तक आपका ये सोलर रूफटॉप जो है ये सुचारू रूप से चलता है। जो वेंडर अग्रीमेंट करता है ऑपरेशन मेंटेनेंस का, वो 5 साल का करता है। अब 5 साल बाद अगर ये इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस कराना है तो उसके लिए हम जैसे आपसे पहले कहा, हमारे सूर्य मित्र यहाँ अवेलेबल रहेंगे। ये सूर्य मित्र जो हैं इस सोलर रूफटॉप का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, उसके लिए ये इक्विप्ड हैं।